कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सीज फायर से घायल हुए भारतीय सैनिक लक्ष्मण जाट ने बुधवार रात को अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसके बाद ही शहीद के पैतृक गांव में मातम छा गया। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील के खेजड़ला निवासी लक्ष्मण जाट, जो कि भारतीय सेना में सैनिक थे, वो देश की सीमा की निगरानी करते हुए कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सीज फायर में दो दिन पहले गोली लगने से घायल हो गए थे। उसके बाद में बुधवार रात को आर्मी अस्पताल में दम तोड़ने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को पहले जम्मू एयरबेस से जोधपुर एयरपोर्ट तक और उसके बाद में पैतृक गांव लाने की तैयारी सेना और प्रशासन द्वारा की जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि शहीद की पार्थिव देह आज शाम तक जोधपुर पहुंच सकती है। गांव के सपूत के शहीद होने की खबर गुरुवार सुबह ग्रामीणों को मिलने के बाद से ही गाँव के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखकर सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। शहीद का घर गांव से थोड़ी दूरी पर होने के कारण माता पिता को पार्थिव देह गांव में नहीं पहुंचने तक बेटे के शहीद होने की जानकारी से दूर रखा गया है। सबसे पहले शहीद के गांव पहुंचे सत्यमेव न्यूज ने ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए बताया कि अभी तक गाँव में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों को मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार स्वतः ही प्रतिष्ठानों को अगले 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ग्रामीण नाथुराम चौधरी ने बताया कि जब तक शहीद लक्ष्मण की पार्थिव देह गांव नहीं पहुंच जाती, तब तक वो परिवारजनों को शहीद का सदमा नहीं देना चाहते। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद लक्ष्मण की सगाई पास के गांव घाणा मगरा में हो रखी थी और अगले महीने शादी की भी तैयारियां चल रही थी। शहीद लक्ष्मण 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और छोटा भाई भी सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि शहीद के माता पिता किसान हैं। बहरहाल पूरा गांव इंतजार कर रहा है अपने लाडले लक्ष्मण की पार्थिव देह को हासिल करने के लिए और माता पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सत्यमेव न्यूज के लिए सुरेश विश्नोई की खास रिपोर्ट।